किसानों के लिए किए गए वादे पूरा करते हुए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का बकाया राशि माफ किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन में 2000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। हमारी मेहनत कश किसान दिन रात मेहनत कर फसल उगाते हैं, परंतु प्राकृतिक विपदा के कारण कई बार उनकी फसल को नुकसान होता है तथा ऐसे परिस्थिति में किसान अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। अतः किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम से एक नई योजना शुरुआत की। इस योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए हमने 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। राज्य में पशुपालन को आजीविका का साधन बनाने हेतु मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना से आच्छादित होने वाले लाभुकों को 100% तक के अनुदान देने का प्रावधान है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर कई बार अभ्यर्थियों से शिकायत तथा सुझाव प्राप्त हो रहे थे। समय पर परीक्षाओं का आयोजन ना होने तथा उन तथाकथित अनियमितताओं को लेकर छात्र छात्राएं कई बार आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। मैंने इन समस्याओं को गहराई से समीक्षा की और पाया कि झारखंड गठन के उपरांत अब तक झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए नियमावली गठित न होना इस विवादों का मूल कारण है। इन समस्याओं के समाधान हेतु मेरी सरकार द्वारा द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2021 का गठन कर लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अब प्रत्येक वर्ष इस नियमावली के तहत सिविल सेवा परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने छठी जेपीएससी के आधार पर अनुशंसित 326 अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया। झारखंड न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित 100 अभ्यर्थियों को सिविल जज के पद पर नियुक्त किया गया है। हमारी सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। इस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश सभी विभागों को दे दिया गया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन करते हैं। राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य गठन के बाद पहली बार 24 जिला क्रीड़ा पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली भी बनाई है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 40 खिलाड़ियों का चयन विभिन्न विभागों में खेल कोटा के अंतर्गत सीधी नियुक्ति हेतु किया गया है। प्रतिवर्ष 50 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। राज्य के विकास में सभी वर्गों की भूमिका भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चालू की गई है। इस योजना के अंतर्गत लाभुक को अधिकतम 25 लाख रुपए ऋण दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें अनुदान 40% की दर से या अधिकतम 5 लाख रुपए में से जो कम राशि हो लाभुक को दिया जाएगा। मनरेगा योजना के प्रारंभ के बाद राज्य में पहली बार मानव दिवस सृजन करने के लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ से 10 करोड़ किया गया है, जिससे राज्य द्वारा प्रथम बार किया गया है। अच्छी शिक्षा,
बेहतर रोजगार के नारे के साथ राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय की परिकल्पना की गई है। इस हेतु 1885 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। झारखंड राज्य में मेघावी आदिवासी छात्र छात्राओं को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 के रूप में एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रतिभावान छात्र छात्राओं का चयनित कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थ आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालय संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सबके लिए आवास महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शहरी आवास विहीन लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु 1,88,842 आवासों की स्वीकृति दी गई है। लगभग 52,500 आवासों का गृह प्रवेश कराया जा चुका है। गांव के पिछड़ेपन को दूर करने तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 19/12/2020 को राज्य के सभी जिलों में कुल 1,00,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया गया है। यह हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि झारखंड राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना के उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सामुदायिक सहभागिता के लिए विशेष पुरस्कार भी दिए गए हैं। राज्य के सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। आदिम जनजाति समुदाय को प्राथमिकता देते हुए उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2,251 लघु ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसमें लगभग 1,249 अदत योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति बहुल टोलों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत 12,386 अदत लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 7,826 अदत योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। प्रकृति ने झारखंड को कई सौगात दिए हैं। प्रकृति के साथ साथ सामंजस्य बनाकर रहना हमारा जीवन पद्धति रही है। राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ मनोरम पहाड़ियाँ, खूबसूरत नदी, झरने, दूर तक फैले घने जंगलों के साथ साथ पारसनाथ एवं बाबा बैद्यनाथ धाम जैसे पवित्र धार्मिक स्थल भी हैं। इतना सब कुछ समेटे हुए अपने झारखंड को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम जल्द ही नई पर्यटन नीति को लागू करेंगे। संथाल परगना क्षेत्र को समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित रखने तथा क्षेत्रीय संस्कृति गतिविधियों को विस्तार देने हेतु राज्य के उपराजधानी दुमका में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा। यह कन्वेंशन सेंटर स्थानीय कलाकारों को मंच सुलभ कराएगी। संथाल परगना क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु दुमका में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के लिए 500 बेड अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। सबों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु माह जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित 15 लाख लाभुकों को अनुदानित दर पर तथा 1 रुपये प्रति किलो के दर पर 5 किलो चावल प्रतिमाह उपलब्ध लाभुक को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध हो, यह सोच के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। इस कड़ी में सोना सवरण धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 57 लाख परिवार को धोती, लुंगी एवं एक साड़ी 10 रुपये की अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना है। पूर्व में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के तहत 3,65,000 वृद्धों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक पात्र वृद्धों को इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायत लगातार आ रही थी। इसको देखते हुए हमारे सरकार ने सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना की शुरुआत की। अब सभी वृद्धजनों को प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन के रूप में बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी सरकार गठन के उपरांत मंत्रिपरिषद के प्रथम बैठक में ही हमने यह संदेश दिया था कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार की है। राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 1-800 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इस हेल्पलाइन के द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी परिस्थिति में फंसे महिलाओं को अविलंब सहायता प्रदान की किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर 181 एकीकृत हेल्पलाइन है, जो 24 घंटा और 7 दिन कार्य करेगा। इसके माध्यम से महिलाओं को पुलिस, विधिक सहायक, मेडिकल, एम्बुलेंस सेवा जैसे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महिलाओं को ये सारी सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। साथ ही इसके माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यान्वयन की जानकारी दी जाएगी। महिलाओं को अवैध एवं अनैतिक व्यापार की रोकथाम, पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पूर्ण समीकरण एवं स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस नियमित संचालित उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर एवं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल मुख्यालय हजारीबाग में उज्ज्वला होम स्थापित किया गया है। अन्य 3 प्रमंडलों में उज्ज्वला होम शीघ्र चालू किया जाएगा। आपकी झारखंडी सरकार ने सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने के लिए विधानसभा में 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है। हो, कुड़ुक, मुंडारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य में करीब 2.57 लाख सखी मंडलों का गठन, लगभग 32.2 लाख परिवारों को इससे जोड़ा जा चुका है। राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सखी मंडलों को करीब 726 करोड़ रुपए चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि तथा 1,824 करोड़ रुपए क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके साथ ही आजीविका सशक्तिकरण हुनर अभियान के माध्यम से राज्य में 17 लाख परिवारों को आजीविका के सशक्त माध्यम से जोड़ा गया है। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत विगत 4 माह में राज्य
कि करीब 12,000 महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा गया है। सखी मंडलों के द्वारा निर्मित उत्पादकों को प्लास ब्रांड के जरिए नई पहचान देकर करीब 2,00,000 ग्रामीण महिलाओं की आमदनी की बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। अब तक 19,00,000 रुपए का कारोबार किया गया है। राज्य गठन के उपरांत सभी विभागों को के विभागवार समीक्षा के क्रम में मैंने ये महसूस किया कि राज्य सरकार को अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। कई स्तर पर नीतिगत पहल की आवश्यकता है, तो कई जगह प्रशासनिक तंत्र में चुस्त दुरुस्त कराकर राजस्व की वृद्धि की जा सकती है। मैंने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राजस्व प्राप्ति को दुगुना करने के लक्ष्य के साथ अविलंब कार्य प्रारंभ कर दें। जहां कहीं भी आवश्यक हो नई नीति बनाई जाए तथा वर्तमान में लागू अधिनियम नियम और विनियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाएं। आपकी झारखंडी सरकार निजी क्षेत्र में 75% पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने जा रही है। राज्य के लोगों की भावना के अनुरूप हम नई स्थानीय नीति परिभाषित कर रहे हैं। अल्पसंख्यक विद्यालयों में के कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। शिक्षक एवं पुलिस भर्ती के लिए हम जल्द नियमावली ला रहे हैं। बहुत सारे कार्य हैं जिसे पूरा करते हुए राज्य की प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है। अंत में मैं पुनः आप सबों को गणतंत्र देता हूं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि झारखंड को संवारने में हम सब पूरी जिम्मेवारी और निष्ठा से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। संविधान के आदर्शों के अनुरूप एक ऐसे झारखंड के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएंगे, जहां ऊंच नीच, अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा का कोई भेदभाव ना हो तथा सबों की गरिमाई जीवन को सर्वांगीण विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान हो। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। धन्यवाद।